जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके संविधान के अनुच्छेद से संबंधित होने वाले हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। ठीक है दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में करेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिविजन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 395 धाराएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ। ठीक है, ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो दोस्तों, नागरिकता संबंधी प्रावधानों की बात करें तो ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उसको कवर करेंगे जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, यानी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो देखिए दोस्तों, अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में होने वाले हैं ताकि क्विक रिविजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों, अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19(1) में। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 13, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो कि किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात की जाए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उल्लेख हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में हमें क्या देखने को मिलता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है ये दी गई है अनुच्छेद 39 में, ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 39 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो देखिए ऑप्शन डी अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 में जो है हमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देने का वर्णन मिलता है। चलिए क्वेश्चन 19, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है यह हमें अनुच्छेद 51 ए में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 61, ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 63, आर्टिकल 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में, ठीक है, जो आर्टिकल 75 है इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। चलिए क्वेश्चन 25 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों महान्यायवादी की बात करें तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 76, आर्टिकल 76 जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन 27 है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 85, ठीक है, आर्टिकल 85 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखेंगे, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग करने का जो दोस्तों राष्ट्रपति का अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 108, ठीक है, जो आर्टिकल 108 है इसके तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है ये किया गया है अनुच्छेद 108 में, ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में, ठीक है, आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? दोस्तों संचित कोष से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 112-29, अनुच्छेद 146-3, अनुच्छेद 148-6, ठीक है, ये सभी किससे संबंधित है? भारत के संचित कोष से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 123, ठीक है, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143, ठीक है, आर्टिकल 143 प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाई गई किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकार होगी? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 142, ठीक है, आर्टिकल 142 जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? दोस्तों प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 233, आर्टिकल 233 में जो है अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 में, ठीक है, आर्टिकल 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 252 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249, ठीक है, आर्टिकल 249 में क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो है संसद को राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 45 है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में जो है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को किस अनुच्छेद के तहत निर्देश दे सकती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 के तहत। चलिए आगे बढ़ेंगे, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतरराज्य परिषद के गठन का प्रावधान संविधान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ये 280 में है, ठीक है, आर्टिकल 280 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 300 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है?
तो दोस्तों क्वेश्चन 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 311 में जो है ये प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 312, ठीक है। दोस्तों सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में रहने वाले हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिविजन हम कर सके। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दोस्तों लोक सेवाओं को जो संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के तहत किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 311 में प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है? देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद 312 है ये किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से। आगे बढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 में, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 320 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों निर्वाचन आयोग की बात करें तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 में जो है भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन 57 है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 331, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं 338 से प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 59 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान दिया किया गया है? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 एक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 60 है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों ये जो प्रावधान है ये किया गया है आपके अनुच्छेद 343 में, ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 343 प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 61 है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो दोस्तों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो है संविधान के अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 343 प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो देखिए दोस्तों राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 356 में, ठीक है, आर्टिकल 356। क्वेश्चन 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ठीक है, आर्टिकल 360 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध जो है इसमें देखने को मिलता है। तो देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, ठीक है, याद रखेंगे आर्टिकल 368। अगला प्रश्न यहां पर, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 370 जो कि अब हटा दिया गया है, 370 प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। हालांकि वर्तमान में अब अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 371 क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 विशेष दर्जा प्रदान करता था, जो कि वर्तमान में अब नहीं है। चलिए क्वेश्चन 73 है, अनुच्छेद 356 का संबंध किस से है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन से, ठीक है, अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो राष्ट्रपति शासन से है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 75 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 76 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं या किए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 18 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 70, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 350 में। चलिए क्वेश्चन 79 है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। देखेंगे दोस्तों, यहां पर अनुच्छेद 54 तो ये संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है अनुच्छेद 75, तो देखिए दोस्तों, आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा है यहां पर आर्टिकल 155, तो दोस्तों अनुच्छेद 155 की बात करें तो ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे है यहां पर अनुच्छेद 164, तो दोस्तों आर्टिकल 164 का संबंध हो जाएगा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ऑप्शन ए, कूट 1, 2, 3, 4 प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 80 है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन से है? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, यहां पर नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51, ठीक है, आर्टिकल 51 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखेंगे।
अनुच्छेद 323 ए का संबंध किससे होगा? प्रशासनिक अधिकरण से, ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 324, तो दोस्तों इसमें निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 330, ठीक है, अनुच्छेद 330 का संबंध किससे हो जाएगा? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। चलिए ऑप्शन डी है अनुच्छेद 320, तो दोस्तों 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य संबंधी प्रावधान इसमें किए गए हैं। चलिए देखेंगे यहां पर ऑप्शन सी जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा, कोट 2143, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, तो देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123, ठीक है, आर्टिकल 123 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 143, ठीक है, आर्टिकल 143 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? चलिए ऑप्शन देखेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन बी आर्टिकल 258, ठीक है, अनुच्छेद 358 प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यह किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो दोस्तों यह उपबंध किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24 में, ठीक है, आर्टिकल 24 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह किस अनुच्छेद से कहां से कहां तक है? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है ये प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सूची ए को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चलिए देखेंगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो दोस्तों ये अनुच्छेद 148 में, ठीक है, ये अनुच्छेद 148 जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। दूसरा है वित्त आयोग, तो दोस्तों वित्त आयोग किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 से, ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग संबंधी प्रावधान किए गए है। तीसरा है प्रशासनिक अधिकरण, तो दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 323 ए में, ठीक है, आर्टिकल 323 ए में इसके प्रावधान देखने को मिलते हैं। अंतिम है यहां पर संघ लोक सेवा आयोग, तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 315 से। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर कोट 3241 प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 90 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, चलिए देखेंगे यहां पर ऑप्शन है, किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा करेगी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, ठीक है, केवल 2 और 3 क्या है प्रश्न का राइट आंसर है, ठीक है, यानी कि कथन 2 और 3 क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 148 हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के प्रावधान किए गए हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51 जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो देखिए दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। ठीक है, आर्टिकल 253 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 360 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 में। ठीक है, जो आर्टिकल 2 है इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, इसमें नए राज्य के प्रवेश या स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन 99, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर होगा, आर्टिकल 3(2). ठीक है, अनुच्छेद 32 प्रश्न का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 100, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। ठीक है, जो आर्टिकल 169 है इसमें क्या प्रावधान किए गए, इसमें राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद तथा संबंधित राज्य यहां पर हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों सीधे प्रश्न में यहां पर आपको बताऊंगा ऑप्शन सी, 371 गौ। ठीक है, जो अनुच्छेद 371 गौ है ये मेघालय से ही संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताएगा कि जो नीति आयोग है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर कर लिया है जो कि संविधान के अनुच्छेद से संबंधित थे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण MCQs को, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।